मैं तमाम भाइयों बहनों को एक बात बताना चाहता हूं, कोरोना वायरस जो चाइना से शुरू हुआ था, कई दिगर कंट्रीज में ये फैल चुका है और हैदराबाद में भी महिंद्रा हिल्स में एक शख्स को पॉजिटिव बताया गया। उसके लिए हमारी हुकूमत की जानिब से, खासतौर से हमारे आनेबुद सीएम साहब ने इसके लिए काफी बड़ी रकम सैंक्शन की है और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ईटन राजेश साहब ने कल तमाम इम्पॉर्टेंट अहदेदारों को बुलाकर मीटिंग थी, जिसकी सदारत हमारे आनेबल म्यूनिसिपल मिनिस्टर के टी रामाराव साहब ने की। इसके लिए बहुत से हुकूमत की तरफ से प्रिकॉशन लिए गए। मैं मेरे तमाम भाइयों बहनों से एक बात की गुजारिश करता हूं कि अगर जरा भी आप महसूस करें, चूंकि इसके जो सिम्टम्स है, जिस तरह सर्दी बुखार नजला होता है उसी तरह शुरू होता है, और शुरू होने पर अगर आपको किसी को भी अगर नजला हो या इसका बारे में कोई शक हो, वो सबसे पहले सरकारी दवाखाने पर जाइए। हुकूमत की तरफ से तमाम सरकारी दवाखानों में इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत से टीमों को तश्कील दिया गया है, तो आप परेशान मत होइए। अगर ऐसा कुछ महसूस करें, सर्दी नजला बुखार, तो आप सरकारी दवाखानों में, खासतौर से गांधी हॉस्पिटल है, उस्मानिया हॉस्पिटल है, नीम्स हॉस्पिटल है, जितने सरकारी दवाखाने हमारे स्टेट के अंदर है, वहां पर आप जाकर तश्खीस करवा सकते हैं। थोड़ा सा एहतियात बरतिए। मैं तमाम मेरे भाइयों बहनों से कि अभी चूंकि हमारे मुल्क में अब गर्मा का मौसम शुरू हुआ है, इंशाल्लाह जब गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी तो ये वायरस खत्म हो जाएंगे। अगर यहाँ पर फैल भी रहे तो आप उतना परेशान मत होइए और एक बात का एहतियात जरूर कीजिए।